नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अपूर्व पांडे है। फाइनल कट प्रो एक्स ट्यूटोरियल के आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम एडिटिंग कैसे करते हैं। अगर आपको अपनी वीडियो में से अनवांटेड पार्ट को रिमूव करना है तो किस तरह से आप ट्रिम या स्प्लिट का यूज करेंगे, तो देखते हैं अगर हमें वीडियो में से अनवांटेड पार्ट को हटाना है तो वो हम कैसे हटाएंगे। यहां पर आप एक वीडियो देख रहे हैं, तो एडिटिंग करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक इंटरव्यू का वीडियो क्लिप है। इस क्लिप में स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें हैं, बीच में कई जगहों पे गड़बड़ है और लास्ट में भी थोड़ी गड़बड़ है, तो उनको डिलीट करके, वो जो मेरे अनवांटेड पार्ट है उसको डिलीट करके किस तरह से मैं इस इंटरव्यू को एडिट करूंगा, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को अपनी टाइमलाइन में लेकर आऊंगा। तो टाइमलाइन में लाने के लिए मुझे इस वीडियो को सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो भी हमारा सेलेक्टेड एरिया होगा वहां पे आपको ये येलो हाईलाइट दिख जाएगा। आप चाहे तो यहां पर से ही इन पॉइंट या आउट पॉइंट लगा के क्लिप का कोई भी पार्ट को टाइमलाइन में डाल सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं इस पूरी की पूरी वीडियो को अपनी टाइमलाइन में लेकर आऊंगा। मैं इस क्लिप को क्लिक करके यहां पे ड्रैग कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं क्लिप मेरी टाइमलाइन में आ गई है। तो यहां पर आप ऑडियो फॉर्म देख रहे होंगे, इन्हें हम ऑडियो वेव फॉर्म बोलते हैं या फिर हम इन्हें ऑडियोग्राफ भी कह सकते हैं। और यहां पे ब्लैंक आपको दिख रहा होगा, तो ये जो ब्लैंक स्पेस है ये मेरी अनवांटेड पार्ट्स है। यहां पर भी आपको ब्लैंक दिख रहा होगा, यहां पे ब्लैंक है, यहां पर भी बीच बीच में ब्लैंक है, यहां पर ब्लैंक है, लास्ट लास्ट में यहां पे ब्लैंक है, और वीडियो के लास्ट में भी आपको यहां पे ब्लैंक दिख रहा होगा। तो अब मुझे अपनी वीडियो में से इन सारे ब्लैंक स्पेसेस को हटाना है जो मेरे अनवांटेड पार्ट्स हैं। आप टाइमलाइन को शॉर्टकट कमांड कमांड माइनस से जूम इन कर सकते हैं या फिर कमांड प्लस से जूम आउट कर सकते हैं। यहां पर भी कुछ ऑप्शंस हैं, आप इसके इस्तेमाल करके भी जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, क्लिप के अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। फिर यहां पे कुछ आज ऑप्शंस हैं, अगर आपको सिर्फ ऑडियो वेव फॉर्म देखनी है तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं यहां पे ऑडियो के वेव फॉर्म है, ये मेरा साइलेंट एरिया है जो अनवांटेड पार्ट है। तो यहां पे एक ऑप्शन है, जैसे मेरी वीडियो ऑडियो दोनों है। फिर एक ये ऑप्शन है जहां पर सिर्फ मेरी वीडियो ही दिख रही है, यहां पे मेरे ऑडियो वेव फॉर्म नहीं दिख रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है तो आप ऑडियो वीडियो वेव फॉर्म दोनों को ओपन करके रखिए, वो आपकी काफी मदद करता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ ऑडियो ही एडिट करनी है तो आप यहां पर से सिर्फ ऑडियो वेव फॉर्म को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं वीडियो ऑडियो दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूं। यहां पर अगर आपको अपनी टाइमलाइन को स्क्रॉल करना है, चाहे आपको अगर स्क्रॉल लेफ्ट करना है या स्क्रॉल राइट करना है, तो आप अपने मैजिक माउस की हेल्प से भी वो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर मुझे स्क्रॉल लेफ्ट करना है तो मैं अपने माउस को लेफ्ट में ले जाऊंगा, और राइट में करना है तो मैं उसको राइट में ले जाऊंगा। अब आप यहां पे देख रहे होंगे कि यहां पे सिर्फ वीडियो शो हो रहा है लेकिन हमारे ऑडियो वेवफॉर्म शो नहीं हो रहे। तो अपनी वीडियो को कट करने के लिए यहां पे कुछ टूल हैं, उन टूल्स को देखते हैं। सबसे पहले है सिलेक्शन टूल ए, इसकी शॉर्टकट कमांड ए है। तो सिलेक्शन टूल काफी इंपॉर्टेंट टूल है, जो भी वीडियो को आप कट करेंगे ये उसे सेलेक्ट करता है और तभी आप अपने क्लिप को
उस अनवांटेड पार्ट को डिलीट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है ट्रिम का, फिर पोजीशन है, रेंज सिलेक्शन है, एक और इंपॉर्टेंट टूल है ब्लेड जिसका शॉर्टकट कमांड बी है, फिर जूम है और फिर हैंड है। दोस्तों इन सारे ऑप्शंस में सिलेक्शन टूल और ब्लेड टूल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपने वीडियो में से अनवांटेड पार्ट को हटाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी प्लेहिट को यहां ले जाऊंगा, मैं सिलेक्शन टूल बी प्रेस करूंगा, मैं यहां पर से ब्लेड टूल बी प्रेस करूंगा। तो ब्लेड टूल को एक्टिवेट करने के लिए आप शॉर्टकट कमांड बी का यूज कर सकते हैं। जैसे ही मैंने बी प्रेस किया, आप देख सकते हैं एक ब्लेड आइकन यहां पर दिख रहा है। अब अगर मुझे अपने वीडियो में से अनवांटेड पार्ट को हटाना है, तो मैं इस ब्लेड को जहां पर से भी मुझे कट करना है वहां पे क्लिक करूंगा। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि कट करने के बाद हमारी जो सिंगल क्लिप थी वो अब स्प्लिट हो चुकी है, अब वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। तो अब मुझे अगर अपने इस वाले अनवांटेड पार्ट को हटाना है तो वो मैं कैसे हटाऊंगा? अगर सपोज मैंने सिलेक्शन टूल को एक्टिवेट नहीं किया और मेरा ब्लेड टूल लगाई हुआ है, तो मैं अगर सिलेक्शन करना चाहूंगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, वहां पे सिर्फ ब्लेड टूल लगता रहेगा और मेरी क्लिप स्प्लिट होती रहेगी। इसको अंडू करते हैं। तो अगर मुझे अपनी क्लिप को डिलीट करना है तो मुझे सिलेक्शन टूल यूज करना होगा। सिलेक्शन टूल को आप या तो यहां पर जाके यहां पर क्लिक कर सकते हैं, या आसान तरीका है आप शॉर्टकट कमांड ए यूज कीजिए। जैसे आप ए पर प्रेस करेंगे, आप देख रहे हैं आपका ब्लेड की जगह पे कर्सर आइकन आ गया है, आप उसको सेलेक्ट करिए। येलो हाइलाइटेड एरिया आप देख रहे होंगे, इसका मतलब आपका क्लिप सेलेक्ट हो चुका है, और आप डिलीट प्रेस कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं आपके वीडियो में से अनवांटेड पार्ट डिलीट हो चुका है। ऐसी ही यहां पे भी मेरा ब्लैंक स्पेस है, यहां पर भी कोई ऑडियो नहीं है, तो मुझे इसको डिलीट करने के लिए सबसे पहले यहां पे ब्लेड टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं बी प्रेस करूंगा, यहां पे क्लिक करूंगा और फिर मैं यहां पर बी प्रेस करूंगा और फिर मैं यहां पर भी ब्लेड टूल लगाऊंगा, ए से सेलेक्ट करूंगा और इसको डिलीट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं मेरा अनवांटेड पार्ट रिमूव हो चुका है। अगर आपको सपोज एक बार फिर से देखते हैं ये रिमूव करना है, तो मैंने ब्लेड टूल से इसको रिमूव किया, सेलेक्ट किया। अब अगर आप चाहते हैं कि आप ये जो साइलेंट है इसमें सपोज आपका अगर कोई और वीडियो होता जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता, और आप इसको डिलीट नहीं करना चाहते हैं, आप इसको शिफ्ट करना चाहते हैं एकदम आगे अपने वीडियो के स्टार्टिंग में, तो आप वो कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल तरीका है, आप इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको ट्रैक करके यहां ले आइए, तो ये मैग्नेटिक टाइमलाइन अपने आप राइट में खिसक जाएगा और आपका क्लिप आगे आ जाएगा। तो मैग्नेटिक टाइमलाइन का ये काफी फायदा है। आप देख सकते हैं यहां पर जो हमारी सिंगल क्लिप थी अब वो काफी पार्ट्स में स्प्लिट हो चुकी है, और अगर मुझे अब एंड में से भी अपना ये साइलेंट वीडियो हटाना है तो मैं बी प्रेस करके इसको हटा सकता हूं। अब अगर सपोज मुझे बीच में से इसको डिलीट करना है, इस क्लिप को मैंने ब्लेड टूल लगाया और इसे डिलीट किया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये वापस से आ जाए, तो मैं यहां पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो भी क्लिप आप नीचे डिलीट करेंगे वो आपकी परमानेंटली डिलीट नहीं होगी, आप उसको ट्रिम टूल की मदद से वापस ला सकते हैं। वो कैसे? आप यहां से ट्रिम टूल सेलेक्ट कीजिए या फिर आप टी प्रेस कर सकते हैं, आप देख रहे हैं एक आइकन आया है, आप इसको इन पॉइंट या आउट पॉइंट में लगा के आप इसे ड्रैग कीजिए राइट साइड में, तो आप देख रहे हैं आपकी वो जो क्लिप थी वो वापस आ चुकी है। तो कोई भी क्लिप डिलीट नहीं होगी, आप उसको ट्रिम करके इन पॉइंट से या आउट पॉइंट से वापस से ला सकते हैं।
अब दोस्तों यहां पर एक ऑप्शन है, आप देख सकते हैं स्नैपिंग का। ये स्नैपिंग क्या होती है? तो अभी मेरी स्नैपिंग इनेबल है, ब्लू लाइट जली हुई है, इसका मतलब ये इनेबल है। अगर ये डिसेबल होगा तो वाइट यहां पर आपको दिखेगा, तो इसको इनेबल करते हैं। मैं अपनी प्लेहेड को जैसे ही यहां पे लेकर आ रहा हूं, आप देखेंगे एक मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, देख रहे हैं आप, एकदम से झटके से प्लेहेड, वो जो मेरा येलो हाइलाइटेड एरिया है वहां पर जा रही है, देखिएगा। फिर से देखते हैं, तो ये स्नैपिंग किस तरह से आपकी मदद करता है। सपोज मुझे यहां पर एक कट करना है, अब मुझे एक कट यहां करना है, तो मैं अपनी, आप देख रहे हैं प्लेट को, ये जैसी यहां पे लेके जाऊंगा तो ये अपने आप ही यहां पर चला जाएगा, एक मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। तो मैं इसको यहां पे क्लिक करके इसको डिलीट कर सकता हूं। अब देखते हैं अगर हम स्नैपिंग को डिसेबल करते हैं तब क्या होगा। तो यहां से हम स्नैपिंग को डिसेबल करेंगे, यहां पर हम लोग ब्लेड टूल से कट करते हैं। अब देखिएगा अगर मैंने स्नैपिंग ऑफ की है तो क्या होगा। तो आप देख रहे हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो चुका है। तो अगर आपको बहुत माइन्यूट एडिटिंग करनी है तो आप स्नैपिंग को ऑफ कर दीजिए। अगर आपको इतना ही वीडियो कट करना है तो आप इसे कट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कट हो चुका है। अब अगर मैंने इसको स्नैपिंग को इनेबल किया है तो देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पे मेरी वो है, अब मुझे यहाँ पे ब्लेड लगाना है, तो वो मैं कैसे कट करूँगा। तो बी लगाया, तो आप देख सकते हैं स्नैपिंग के कारण मैं वहाँ पे कट नहीं कर पा रहा हूँ जहाँ पे मुझे उसे कट करना है। तो सबसे जो आसान तरीका है, अगर आपको सपोज सिर्फ एक फ्रेम को ही डिलीट करना है तो वो आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप अपनी टाइमलाइन को जूम आउट करके बड़ा कर लीजिए, आप स्नैपिंग को डिसेबल कीजिए, आप बी टूल से यहां पे करिए, अपने राइट एरो से आप एक फ्रेम को बढ़ा सकते हैं बी, और आप अपने सिंगल फ्रेम को काट सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो 25 फ्रेम रेट्स पर सेकंड्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो 25 FPS का मतलब है कि आपके एक सेकंड में 25 इमेजेस, जो बनके आपका एक सेकंड का वीडियो बनाता है, तो मतलब आपकी 25 जो इमेजेस होंगी उससे आपका एक सेकंड का वीडियो बनता है। तो अगर आपको सिर्फ एक फ्रेम काटना है तो आप सिर्फ एक फ्रेम को भी काट सकते हैं। इसके अलावा ये दो ऑप्शंस हैं, तो ये इसे बोलते हैं स्किमिंग। तो स्किमिंग क्या होती है? अगर हम स्किमिंग को इनेबल करेंगे तो आप देखेंगे प्लेहेड के अलावा ये जो रेड लाइन आप देख रहे होंगे, मैं जैसे इसको वीडियो के ऊपर ले जा रहा हूं तो मेरा वीडियो और ऑडियो प्ले हो रहा है, जो कभी कभी काफी इरिटेटिंग होता है। तो अगर आपको इसको डीएक्टिवेट करना है तो आप यहां पर से इसे डिसेबल कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि अब स्किमिंग नहीं हो रही है, आप स्किमिंग को ऑफ कर चुके हैं। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स थे कि हम लोग एडिटिंग किस तरीके से करते हैं। आगे के लेक्चरों में हम और अच्छे से एडिटिंग के बारे में सीखते रहेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।